अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ और दुआ करता हूँ कि आप लोग सारे ठीक होंगे। तो आज हम लोग अपना लेक्चर नंबर 3 स्टार्ट करने जा रहे हैं। जैसा कि आप लोगों ने लेक्चर 2 में देखा, और होपफुली इस चीज़ का भी मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग लेक्चर नंबर 2 आप लोगों ने बड़ी अच्छी तरह थॉरली उसको सुना होगा। और अगर उसमें से कोई क्वेश्चन है तो आप लोग वो क्वेश्चन लाजमी पूछें। लेक्चर 3 स्टार्ट करने से पहले आप लोग लेक्चर नंबर 2 लाजमी देख लीजिएगा, क्योंकि लेक्चर 2 वाज ऑन बेसिस, वो हमारी बिल्कुल बेसिक्स पे था। आज हम उन्हीं गैसेस में से जो कि हमने लेक्चर 2 में से पढ़ी थी, आज हम लेक्चर 3 में उन्हीं गैसेस को डिटेल में पढ़ने जा रहे हैं। और हम सिर्फ आज आइडियल गैसेस को पढ़ेंगे, आइडियल गैस लॉ को पढ़ेंगे आज हम। आइडियल गैस लॉ इज आवर टॉपिक फॉर टुडेज लेक्चर। इस लेक्चर में हमने क्या पढ़ना है जी? सबसे पहले हम प्रॉपर्टीज पढ़ने लगे हैं गैसेस की। गैसेस की प्रॉपर्टीज क्या होती हैं? अच्छा, हमें कैसे पता चलेगा कि ये कौन सी गैस है? या लेट सपोज हमारे पास एक सिलेंडर में या किसी कंटेनर में कोई गैस मौजूद होती है, तो हम कैसे प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि ये कौन सी गैस है? तो ये कोई मुश्किल काम नहीं है, इसको हम बड़ी इजीली प्रेडिक्ट कर सकते हैं। कैसे प्रेडिक्ट कर सकते हैं जी? हमारे पास जो प्रॉपर्टीज होंगी, बेसिकली गैसेस की मेजर 4 ही प्रॉपर्टीज होती हैं जिन पे ये डिपेंड कर रही होती हैं, और उन्हीं से हमें पता चलता है कि ये कौन सी गैस मौजूद है। वो कौन कौन सी प्रॉपर्टीज होती हैं जी? द फर्स्ट वन इज प्रेशर, ठीक है, जिसको हम पी से डिनोट करते हैं। द सेकेंड वन इज वॉल्यूम, जिसको हम वी से डिनोट करते हैं और कैपिटल वी से डिनोट करते हैं। द थर्ड वन इज अमाउंट। अब हम यहाँ पे अमाउंट केजीज में नहीं ले रहे, ग्राम्स में नहीं ले रहे, ठीक है, हम यहाँ पे अमाउंट किस चीज में लेंगे? मोल्स में लेंगे। और इस मोल्स को हम लोग डिनोट करते हैं विद दिस स्मॉल एन, जिनको हम नंबर ऑफ मोल्स कहते हैं, वो एन नंबर ऑफ मोल्स के लिए होता है। एंड द फोर्थ प्रॉपर्टी इज टेम्परेचर, दैट इज कैपिटल टी। ये चीज हमेशा माइंड में रखिएगा कि जब भी हम टेम्परेचर की बात करेंगे तो हमने टेम्परेचर की बात करते हुए कैपिटल टी यूज करना है, स्मॉल टी यूज नहीं करना। क्यों नहीं यूज करना स्मॉल टी? क्योंकि स्मॉल टी डिनोट करता है टाइम को और कैपिटल टी डिनोट करता है टेम्परेचर, ठीक है। और इसी तरह हम नंबर ऑफ मोल्स की जब बात करेंगे तो हमने इनको स्मॉल एन से लिखना है, कैपिटल एन से नहीं लिखेंगे, क्योंकि कैपिटल एन को बाद में हम एवोगैड्रोस नंबर के लिए डिनोट करते हैं, जिसके नीचे हम स्मॉल ए लिख देते होते हैं, ठीक है। तो ये 4 प्रॉपर्टीज हैं। द फर्स्ट वन इज प्रेशर, द सेकंड वन इज वॉल्यूम, थर्ड वन इज अमाउंट, एंड द फोर्थ वन इज टेम्परेचर। अगर हमें ये 4 प्रॉपर्टीज किसी भी गैस की पता चल जाए तो हम उस गैस के बिहेवियर को बड़े इजीली प्रेडिक्ट कर सकते हैं, उनकी पेशीन गोई कर सकते हैं कि इस गैस का बिहेवियर क्या होगा। हमारे पास, आप लोगों ने डेली लाइफ में आइडियल गैसेस का सुनते हैं आप लोग, बट आइडियल गैस के लिए एक इक्वेशन भी यूज हम करते हैं, दैट इज पी वी इज इक्वल टू एन आर टी। ये आइडियल गैस लॉ है, ठीक है। ये जो हम यहाँ पे इक्वेशन देखते हैं, पी वी इज इक्वल टू एन आर टी, दिस इज आइडियल गैस लॉ, ठीक है। अब यहाँ पे P क्या है? अभी हम पीछे पढ़ के आए हैं कि P इज प्रेशर, V इज वॉल्यूम, N इज अमाउंट या नंबर ऑफ मोल्स, कैपिटल R इज गैस कांस्टेंट, जिसे हम जनरल गैस कांस्टेंट कहते हैं, और टेम्परेचर है जी हमारे पास कैपिटल T। ये इक्वेशन कैसे बनी, इसको हम लास्ट में पढ़ेंगे, ठीक है। उससे पहले हम कुछ लॉज पढ़ लेते हैं। अच्छा, यहाँ पे सेम वही हमने डिनोट किया है। लास्ट में पढ़ते हैं जी, स्टार्ट करते हैं प्रेशर। अभी हमने लेक्चर 2 में प्रेशर को पढ़ा था, तो प्रेशर क्या है? प्रेशर इज डिफाइंड एज द फोर्स एग्जर्ट ऑन अ गिवन एरिया ऑफ द कंटेनर इन विच इट इज कंटेन्ड, यानी कि एक गैस जो कि किसी कंटेनर के अंदर मौजूद है,
जब वो गैस पार्टिकल्स या गैस मॉलिक्यूल्स फोर्स लगाएंगे किसी एक स्पेसिफिक एरिया पे, और वो स्पेसिफिक एरिया कौन सा हो सकता है? वो स्पेसिफिक एरिया या तो वो दूसरा मॉलिक्यूल हो सकता है, या फिर वो उस कंटेनर का या उस सिलेंडर की वॉल हो सकती है, दीवार हो सकती है। तो गैस मॉलिक्यूल जब उस दीवार के साथ टकराएंगे तो वो एक वहां पे फोर्स लगाएंगे, और वो क्योंकि किसी एरिया पे लग रही होगी तो फोर्स पर यूनिट एरिया क्या कहलाता है? प्रेशर। और प्रेशर का सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट क्या है? पास्कल, जिसको हम पी ए से डिनोट करते हैं। तो यहाँ पे एक नीचे एक एग्जांपल लिखी हुई छोटी सी, इफ यू हैव एवर इन्फ्लेटेड अ टायर यू हैव प्रोबेबली मेड अ प्रेशर मेजरमेंट इन पाउंड्स पर स्क्वायर इंच। वो कहता है कि अगर हम प्रेशर में टायरों में अमूमनली हवा भरवाने जाएं, तो वो वहां पे जो हवा भरता है वो जो हमें बाद में वैल्यू बताता है कि जी 28 हो गई है, 32 हो गई है, तो वो क्या होता है? वो पाउंड पर स्क्वायर इंच में बता रहा होता है, ठीक है। और यही पाउंड पर स्क्वायर इंच जो है ये भी हमें प्रेशर यहाँ से डिनोट करते हैं, इसके यूनिट है। पाउंड पर स्क्वायर इंच इज द यूनिट ऑफ, इज अनदर यूनिट ऑफ प्रेशर। जैसे हमने अभी पिछले लेक्चर में पढ़ा था कि प्रेशर के बहुत से यूनिट्स हैं, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, पास्कल, किलो पास्कल, ठीक है, और बार। इसके अलावा हम अभी एक और प्रेशर का यूनिट पढ़ रहे हैं जो कि पाउंड पर स्क्वायर इंच है, और यहाँ पे हमने पाउंड के साथ लिख भी दिया है कि ये पाउंड किस चीज को शो करवा रहा है, ये फोर्स को शो करवा रहा है, ठीक है, जो कि ब्रिटिश यूनिट है पाउंड। और सेकेंडली पर स्क्वायर इंच किसको शो करवा रहा है जी? ये एरिया का शो करवा रहा है। हम क्या करते हैं ब्रिटिश यूनिट्स में, ब्रिटिश यूनिट में हम जो फोर्स अप्लाई करते हैं वो पाउंड्स में मेजर की जाती है, और जो एरिया होता है वो इंचेस में मेजर किया जाता है, ठीक हो गया। वॉल्यूम की अगर हम बात करें, अभी हम ये ना अभी पैरामीटर्स ही पढ़ रहे हैं, जो अपने अभी पीछे पैरामीटर्स का जिक्र किया था ना, ये जो प्रॉपर्टीज का जिक्र किया था, प्रेशर, वॉल्यूम, मोल्स और टेम्परेचर, उन्हीं की हम डिटेल पढ़ रहे हैं। वॉल्यूम क्या है? वॉल्यूम इज द थ्री डायमेंशनल स्पेस। अब वॉल्यूम हम जब भी लेंगे तो वॉल्यूम को हम लोग क्या करेंगे? थ्री डायमेंशन में मेजर करेंगे। किसी भी हम कंटेनर का वॉल्यूम लेंगे तो टू डायमेंशन नहीं, बल्कि उसकी हम रीडिंग्स थ्री डायमेंशंस में लेंगे, ठीक है। और क्या है? वॉल्यूम इज द थ्री डायमेंशनल स्पेस इनसाइड अ कंटेनर होल्डिंग द गैस। एक गैस जो कि किसी भी कंटेनर के अंदर मौजूद है, हम उसका जब वॉल्यूम मौजूद मालूम करेंगे तो हम क्या करेंगे? उसकी थ्री डायमेंशनल रीडिंग लेंगे। द एसआई यूनिट ऑफ वॉल्यूम इज द क्यूबिक मीटर या मीटर क्यूब। सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट वॉल्यूम का क्या है? वॉल्यूम का सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट है जी मीटर क्यूब या फिर क्यूबिक मीटर। अ मोर कॉमन एंड कन्वीनियंट यूनिट इज लीटर। हम जो ज्यादा तौर पे यूज करते हैं अपनी आसानी के लिए, या मोस्टली हम लोग जो सुनते हैं यूनिट वॉल्यूम का, वो कौन सा है? प्रेशर का, ठीक है जी। थिंक ऑफ अ 2 लीटर बोतल ऑफ सोडा टू गेट एन आइडिया हाउ मच दैट हाउ बिग अ लीटर इज। कि हम, ये आपके लिए एक एग्जाम्पल दी गई है डेली लाइफ में यूज होने वाली, कि आप अगर एक 2 लीटर की बोतल या 2.25 लीटर की अगर हमें बोतल मिलती है सोडा की, या हम कोल्ड ड्रिंक की बात करें तो हमें 2 लीटर की बोतल आप देखें तो आप उसका अगर हाफ करें तो आपको पता चल जाएगा कि 1 लीटर कितना बड़ा होता है, ठीक है। ये आपको एक आइडिया दिया गया सर। उसके बाद अमाउंट की बात करें, जिसको हम नंबर ऑफ मोल्स की बात करें, द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, वो कहता है कि एक ट्रिकी है, मतलब इसको हमें थोड़ा सा समझना पड़ेगा कि हम जब भी एक सब्सटेंस की बात करेंगे तो उसकी अमाउंट लेंगे
तो हम उसके किलोग्राम वगैरह में नहीं मेजर करेंगे, बल्कि हम उसे मोल में मेजर करेंगे। एज वी हैव ऑलरेडी लर्न्ड द सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट फॉर द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस इज मोल, जिसको हम डिनोशन, इसकी जो डिनोट करते हैं इसको, वो MOL से डिनोट करते हैं। ये चीज ध्यान में रखिएगा कि जब हम मोल के यूनिट को लिखेंगे, मोल के वैसे स्पेलिंग्स है MOLE, लेकिन हम जब इसके यूनिट्स को लिखेंगे तो MOL लिखेंगे, ठीक है। फर्स्ट थ्री लेटर्स लिखेंगे हम, और तीनों स्मॉल लिखेंगे। जैसा कि हमने अभी पढ़ा है कि किसी सब्सटेंस की अमाउंट को हम मोल में मेजर करते होते हैं। सिंस वी कैन नॉट काउंट मॉलिक्यूल्स, हम मॉलिक्यूल क्योंकि काउंट नहीं कर सकते इजीली कि कितने मॉलिक्यूल्स हैं, तो हम क्या करते हैं, वी कैन कन्वर्ट मेजर्ड मास इन किलोग्राम टू द नंबर ऑफ मोल्स। हमारे पास जो मास होता है किलोग्राम में, हम उसको किस में कन्वर्ट कर लेते हैं बाद में, उसको हम बाद में कन्वर्ट कर लेते हैं जी मोल्स में कन्वर्ट कर लेते हैं। कैसे? बड़ा आसान तरीका है। नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू मास ओवर मोलर मास, ठीक है। तो नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू मास ओवर मोलर मास, तो हमें नंबर ऑफ मोल फाइंड करने होते हैं। मास हमें सब्सटेंस का गिवन होगा, और मोलर मास भी हम पेरियोडिक टेबल से देख के उसका फाइंड कर लेते होते हैं। एन यूजिंग द मॉलिक्यूलर और फॉर्मूला वेट, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया एन क्या है जी, ये नंबर ऑफ मोल्स हैं, तो एन इज इक्वल टू स्मॉल एम ओवर कैपिटल एम, ये हमारे पास फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ मोल फाइंड करने का। स्मॉल एन इज नंबर ऑफ मोल, स्मॉल एम इज मास, एंड कैपिटल एम इज मॉलिक्यूलर मास। बाय डेफिनेशन वन मोल ऑफ अ सब्सटेंस कंटेन, एक मोल किसी भी सब्सटेंस का उसमें तकरीबन तकरीबन 6.022 मल्टीप्लाई बाय 10^23 पार्टिकल्स ऑफ सब्सटेंस मौजूद होते हैं, ठीक है। ये यू कैन अंडरस्टैंड व्हाई वी यूज मास एंड मोल, तो अब यहाँ से पता लगा सकते हैं, क्योंकि एक बहुत छोटी वैल्यू आती है 6.02, सॉरी बहुत बड़ी वैल्यू है जी 6.02 10^23। हम क्या करते हैं कि जब मोल को मेजर करते हैं, सॉरी हम जब अमाउंट को मेजर करते हैं, तो उस अमाउंट को हम मोल से मेजर करते होते हैं, एंड मोल इज इक्वल टू मास ओवर मोलर मास। नेक्स्ट इज टेम्परेचर। टेम्परेचर क्या है? टेम्परेचर इज द मेजरमेंट ऑफ हीट, जब हम हीट को मेजर करते हैं डेट इज टेम्परेचर, ठीक हो गया। ये चीज ध्यान में रखिएगा, क्योंकि कुछ कंफ्यूजन कर जाते हैं कि हीट क्या है और टेम्परेचर क्या है। हम समटाइम्स हीट को ही टेम्परेचर कहते हैं, लेकिन नहीं, मेजरमेंट ऑफ हीट टेम्परेचर होती है, और हीट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी, जो कि हमने लेक्चर वन में पढ़ा था। और हाउ फास्ट अ पार्टिकल्स आर मूविंग, ये भी हम अगर मेजर करते हैं तो हमें ये पता चलता है कि टेम्परेचर क्या है, क्योंकि पार्टिकल जितना ज्यादा मूव करेंगे उतनी हीट वो बढ़ेगी, और टेम्परेचर हम उस तरह से मेजर कर लेते हैं। गैसेस एट रूम टेम्परेचर हैव अ लो बॉइलिंग पॉइंट, गैसेस का रूम टेम्परेचर पे बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है जी? कम। बॉइलिंग पॉइंट क्या है? एक वो पॉइंट जहाँ पे कोई लिक्विड आके बॉयल होना शुरू हो जाए, यानी कि अपने वेपर में तब्दील होना शुरू हो जाए। देन थिंग्स दैट आर लिक्विड और सॉलिड, यानी कि लिक्विड और सॉलिड की निस्बत गैसेस का रूम टेम्परेचर पे बॉइलिंग पॉइंट बहुत ही कम होता है। एक चीज याद रखिएगा, नॉट ऑल सब्सटेंसेस फ्रीज मेल्ट और इवेपोरेट एट द सेम टेम्परेचर। ये चीज याद रखिएगा कि तमाम सब्सटेंस एक ही टेम्परेचर पे फ्रीज नहीं होते, मेल्ट नहीं होते या इवेपोरेट नहीं होते। वाटर विल फ्रीज एट, यहाँ पे एग्जांपल दी हुई है कि वाटर कहाँ पे फ्रीज होता है जी? 0 डिग्री सेल्सियस पे फ्रीज होता है। हाउएवर अल्कोहल विल नॉट फ्रीज एट दैट टेम्परेचर। वाटर तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे फ्रीज हो जाता है, लेकिन अल्कोहल 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे फ्रीज नहीं होती, बल्कि वो इससे जरा कम टेम्परेचर पे फ्रीज होती है। तो क्या पता चला हमें यहाँ से कि तमाम सब्सटेंसेस का फ्रीजिंग पॉइंट एक नहीं होता, उनका मेल्टिंग पॉइंट एक नहीं होता, और उनका बॉइलिंग पॉइंट भी एक नहीं होता। कुछ लॉज हैं हमारे पास यहाँ पे। सबसे पहले हम बॉयल्स लॉ को डिस्कस करते हैं। बॉयल्स लॉ क्या है? अच्छा, हमारे पास चार पैरामीटर्स होते हैं ना, प्रेशर,
वॉल्यूम, टेम्परेचर और नंबर ऑफ मोल्स। हम मोस्टली तीन को यूज करते हैं, प्रेशर, टेम्परेचर और वॉल्यूम को। इसकी एक आसान तरीन आपको डेफिनेशन बताऊं बॉयल्स लॉ की। वो क्या है बॉयल्स लॉ की डेफिनेशन? के अच्छा, बॉयल लफज हम अगर उसको इंग्लिश में लेके जाना चाहें तो BOIL बॉयल बनता है, तो बॉयल होता है जी टेम्परेचर पे। तो हम यहाँ पे टेम्परेचर को रख देंगे कॉन्स्टेंट, ठीक है। तो एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर, कॉन्स्टेंट टेम्परेचर पे क्या होता है? प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। यानी कि प्रेशर का और वॉल्यूम का रिलेशन फाइंड किया जाए कब? जब के टेम्परेचर रखा जाए कांस्टेंट। तो प्रेशर और वॉल्यूम का रिलेशन बनता है इनवर्स रिलेशन। यानी कि प्रेशर बढ़ेगा तो वॉल्यूम कम हो जाएगा, और वॉल्यूम बढ़ेगा तो प्रेशर कम हो जाएगा, ठीक है। तो यही, इसके लिए हम मैथमेटिकल फॉर्म जो देखते हैं, अगर हमारे पास देखते हैं जी P इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V, ठीक है। तो ये बन जाए, अगर प्रोपोर्शनैलिटी साइन को खत्म करें तो ये बन जाता है P इज इक्वल टू K/V। तो ये V को दूसरी साइड पे, लेफ्ट हैंड साइड पे ले जाएं तो ये बन जाता है PV इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। तो अगर हमारे पास दो गैसेस हो तो हम पहली गैस के प्रेशर को P1 कहेंगे, दूसरी गैस के प्रेशर को P2 कहेंगे। पहली गैस के प्रेशर को, वॉल्यूम को V1 कहेंगे और दूसरी गैस के वॉल्यूम को V2 कहेंगे। तो ये बन जाएंगे P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2। और यहाँ पे आप ये देख रहे हैं कि ग्राफ कैसा हमें नजर आ रहा है, हमें ग्राफ नजर आ रहा है कर्व। क्यों? क्योंकि हमेशा कर्व ग्राफ बनता होता है जब भी कोई दो पैरामीटर्स आपस में इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो। तो क्योंकि प्रेशर और वॉल्यूम एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो हमें ग्राफ कैसा मिलेगा, यहाँ पे हमें ग्राफ कर्व मिलेगा। आगे बॉयल्स लॉ आ जाता है। अब बॉयल्स लॉ क्या है? अब बॉयल्स लॉ में हमने प्रेशर को कर देना है कॉन्स्टेंट, ठीक है। तो जब प्रेशर को कांस्टेंट करेंगे तो बाकी फैक्टर रहेंगे हमारे पास टेम्परेचर और वॉल्यूम, ठीक है जी। तो वॉल्यूम और प्रेशर का, क्योंकि वैसे ही इनवर्स रिलेशनशिप होता है, यहाँ पे भी देख लें कि वॉल्यूम बढ़ेगा तो प्रेशर कम हो जाएगा, प्रेशर बढ़ेगा तो वॉल्यूम कम हो जाएगा। तो बॉयल्स लॉ में क्या होता है, चार्ल्स लॉ में, सॉरी, क्या होता है? चार्ल्स लॉ में हम यहाँ पे रखते हैं प्रेशर को कॉन्स्टेंट और बाकी दो पैरामीटर देते हैं वॉल्यूम एंड टेम्परेचर। तो क्या रिजल्ट मिलता है हमें यहाँ से? रिजल्ट ये मिलता है कि एट कॉन्स्टेंट प्रेशर दी वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। या फिर जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाएंगे वॉल्यूम बढ़ता जाएगा, और जैसे जैसे टेम्परेचर कम करते जाएंगे वॉल्यूम भी कम होता जाएगा। अगर हम इक्वेशन लिखें, द वॉल्यूम ऑफ फर्स्ट गैस इज V1, द सेकेंड इज V2 एंड द वॉल्यूम ऑफ टेम्परेचर ऑफ फर्स्ट गैस इज T1 एंड द सेकेंड ऑफ T2, वी कैन गेट द इक्वेशन V1/T1 इज इक्वल टू V2/T2। और ग्राफ ड्रॉ करें तो क्योंकि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो हमें यहाँ से रिजल्ट जो मिलेगा वो मिलेगा स्ट्रेट लाइन। जब भी कोई डायरेक्ट रिलेशन होता है तो स्ट्रेट लाइन मिलती है, और जब इनवर्स होता है तो कर्व मिलती है हमें। तो ये हमें यहाँ से बड़ा क्लियर नजर आ रहा है कि इनका रिलेशन वॉल्यूम और टेम्परेचर का डायरेक्ट है। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा वॉल्यूम भी बढ़ेगा, टेम्परेचर कम होगा तो वॉल्यूम भी कम होगा। नेक्स्ट इज, अच्छा ये हमने नहीं लॉ करना, अगर हम इन लॉज को कंबाइन कर दें तो चार्ल्स लॉ और बॉयज लॉ को अगर हम कंबाइन करें तो यहाँ पे हमारे पास मिलता है P1 V1/T1 इज इक्वल टू P2 V2/T2।
ठीक है जी। और अगर हम इनको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करवाएं, यानी कि राइट हैंड साइड पे T2 डिवाइड हो रहा है तो लेफ्ट हैंड साइड पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, और लेफ्ट हैंड साइड पे T1 डिवाइड हो रहा है तो लेफ्ट साइड पे राइट साइड पे मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो हमें यहाँ से क्या मिलता है जी, P1V1T2 इज इक्वल टू P2V2T1। द वन इज फॉर द डोनेशन ऑफ फर्स्ट गैस एंड दिस टू इज द डिनोशन फॉर सेकेंड गैस। अब एवोगैड्रोज लॉ क्या है? एवोगैड्रोज लॉ में हम ये कहते हैं, एवोगैड्रो एक साइंटिस्ट, उसने लॉ पेश किया और क्या कहा कि हम टेम्परेचर और प्रेशर को रखेंगे कांस्टेंट, तो बाकी हमारे पास रह जाएगा वॉल्यूम और नंबर ऑफ मोल। तो जब इनका रिलेशन फाइंड करेंगे तो हमारे पास रिलेशन इनका क्या आएगा? इनका हमारे पास रिलेशन आया है जी, वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स। जितने नंबर ऑफ मोल ज्यादा होंगे वॉल्यूम ज्यादा होगा, जितना वॉल्यूम ज्यादा होगा नंबर ऑफ मोल ज्यादा होंगे, और जितना वॉल्यूम कम होगा नंबर ऑफ मोल होंगे कम। ठीक है जी। और अगर हम इसको मैथमेटिकल फॉर्म में लिखें दो गैसेस के लिए, पहली गैस का वॉल्यूम V1, दूसरी गैस का वॉल्यूम V2, पहली गैस के नंबर ऑफ मोल N1, दूसरी गैस के नंबर ऑफ मोल N2, तो ये बन जाएगा V1 over N1 इज इक्वल टू V2 over T2। तो क्योंकि V और N डायरेक्टली प्रोपोर्शनल थे, तो अगर हम इनका ग्राफ बनाएं तो हमें मिलता है स्ट्रेट लाइन ग्राफ। व्हाट डज इट मीन? इसका मतलब ये है, क्या मतलब है जी इसका? नेक्स्ट डाल्टन लॉ, हम इन तीन लॉज को इकट्ठा करें, कौन कौन से लॉज थे हमारे पास? बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, और उसके बाद है एवोगैड्रोज लॉ। बॉयल्स लॉ था एट कांस्टेंट टेम्परेचर वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। चार्ल्स लॉ है एट कांस्टेंट प्रेशर द टेम्प वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। और बॉयल और इसके अलावा हमारे पास जो थर्ड लॉ था एवोगैड्रो लॉ, वो ये कहता है कि एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल। अगर हम इन तीनों लॉज को इकट्ठा करें, इन तीनों लॉज को इकट्ठा करने के बाद हमारे पास एक इक्वेशन मिलती है। वो इक्वेशन क्या है? वो इक्वेशन है जी PV इज इक्वल टू nRT। और इस PV इज इक्वल टू nRT इक्वेशन को हम क्या कहते हैं कि ये है जी हमारे पास लॉ, और कौन सा लॉ है? ये आइडियल गैस लॉ है। ठीक है। और उसके बाद हम यहाँ पे अभी ये आप लोगों के लिए एक छोटी सी एक असाइनमेंट दी है, अगर आप लोगों से नहीं होगा तो आई विल प्रोवाइड यू द नोट्स कि ये किस तरह से होता है। कुछ मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है। आपने क्या करना है, तीनों इक्वेशंस को लिखना है, तीनों लॉज को लिखना है। कौन कौन से लॉज थे? वो पहला लॉ हमारे पास बॉयल्स लॉ था, उसमें आप लिखेंगे पी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वी, और सेकंड वाले पे चार्ल्स लॉ पे आप लिखेंगे वी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी, और थर्ड लॉ में हम लिखेंगे एवोगैड्रोज लॉ में वी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्मॉल एन। और जब इन तीनों लॉज को इकट्ठा कर देंगे तो हमारे पास आइडियल गैस लॉ आ जाता है, या इस आइडियल गैस लॉ को आइडियल गैस इक्वेशन भी कहते हैं। और इस आइडियल गैस इक्वेशन को हम जनरल गैस इक्वेशन भी कहते होते हैं। ठीक है। यहाँ पे आपको पी इज प्रेशर, ठीक है, वी इज वॉल्यूम, एन इज द नंबर ऑफ मोल, टी इज टेम्परेचर, व्हाट इज आर, ये हमारे लिए टर्म नहीं है। आर क्या है? आर एक जनरल गैस कांस्टेंट है, जिसे हम आइडियल गैस कांस्टेंट भी कहते हैं। ठीक है। और इसकी वैल्यूज भी चेंज होती रहती हैं, मतलब एक वैल्यू इसकी कांस्टेंट रहती है, लेकिन इसकी वैल्यू कांस्टेंट उस वक्त रहती है जब हमारे पास यूनिट्स कांस्टेंट होते हैं। ठीक है। तो जब यूनिट्स चेंज हो जाती हैं तो जाहिर सी बात है यूनिट्स के चेंज होने के साथ साथ इसकी आर की वैल्यू भी चेंज होती रहती है, लेकिन जब यूनिट सेम रहते हैं तो आर की वैल्यू भी सेम ही रहती है। ठीक हो गया जी। दैट वॉज आवर थर्ड लेक्चर।
और इस लेक्चर में कोई मसला हो आप लोगों को किसी किस्म का, तो आप लोग ज़रूर क्वेश्चन कीजिएगा, क्वेश्चन किया करें आप लोग। क्वेश्चन नहीं करेंगे तो काम ख़राब हो जाएगा, आप लोगों को समझ नहीं आएगी, फिर कोई फ़ायदा ही नहीं है पढ़ने का अगर आप क्वेश्चन नहीं करेंगे तो। यस, अगर आप लोग देखें ना, दो स्टूडेंट्स क्वेश्चन करते होते हैं, सॉरी, दो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नहीं करते होते हैं, जिन्होंने पढ़ा है उनको अगर समझ आ गई है तो बड़ी अच्छी बात है, वो क्वेश्चन शायद ना करें, नहीं समझ आई तो वो क्वेश्चन करेंगे। लेकिन दो तरह के स्टूडेंट्स क्वेश्चन नहीं करते, वो कौन से? एक तो वो जिसने कुछ पढ़ा ही नहीं, देखना उसने कुछ नहीं पढ़ा, उसको बेचारे को समझ नहीं है कुछ, तो वो क्वेश्चन कैसे करेगा, ठीक है। और सेकंड वो है कि जिसने सारा पढ़ा है, तो वो भी क्वेश्चन करता है, लेकिन वो उस वक्त क्वेश्चन करता है कि जब उसे समझ ना आई हो, ठीक है। तो आपने दोनों सूरतों में, समझ आ जाए ना आए, आपने क्वेश्चन लाजमी करना है, लेकिन रीड भी लाजमी करना है आप लोगों ने इसको, ठीक हो गया। तो अगर आप लोगों को क्वेश्चन आपने पूछना है, और घरों में रहिए, सेफ रहिए, जितना हो सके प्रिकॉशंस यूज करें आप लोग, और एक दूसरे से मिलने से, हाथ मिलाने से इज्तनाब करें, ठीक है। मास्क यूज करें, और जितनी भी आपको प्रिकॉशंस दी गई हैं उन प्रिकॉशंस पे स्ट्रिक्टली एक्शन लें, उन पे लाजमी अमल करें। आप सिर्फ अपनी लाइफ के लिए नहीं लड़ रहे हैं, बल्कि दूसरों की लाइफ के लिए लड़ रहे हैं, तो ये आपकी सोशल सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप लोग अपनी लाइफ के साथ साथ दूसरों की लाइफ का भी ख्याल रखें, ठीक है। आई थिंक दैट्स ओवर, दैट्स एंड। तो यहाँ पे एक आपको यूनिट दिखाया गया है यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट का, जिसे हम आइडल गैस कांस्टेंट भी कहते हैं और जनरल गैस कांस्टेंट भी कहते हैं, दैट इज 0.021। लेकिन यह सिर्फ उस कंडीशन में है जब हमारे पास प्रेशर का यूनिट एटीएम में होगा, टेम्परेचर का यूनिट कैल्विन में होगा, और एन नंबर ऑफ मोल हम मोल के फॉर्म में लेंगे, ठीक है। लेकिन अगर ये चेंज हो जाते हैं यूनिट्स, तो फिर हमारे पास वैल्यूज भी चेंज हो जाते हैं। समटाइम्स इट इज 1.98, समटाइम्स इट इज 8.314। तो वो डिपेंड करता है अपॉन जैसे जैसे आपके ये यूनिट्स चेंज होते हैं। तो आपने जैसे भी कोई क्वेश्चन करना है, आपको फर्स्ट चीज ध्यान में ये रखनी है कि आपने उसके यूनिट्स हमेशा सेम रखने हैं, ठीक है। यूनिट्स अगर आप चेंज कर देते हैं तो फिर वो एप्लीकेबल ही नहीं होगा, वो क्वेश्चन किसी तरह से सही माना ही नहीं जाएगा, ठीक है जी। सो दैट्स ओके, अल्लाह हाफिज, अपना ख्याल रखिएगा।